खतरे में जा चुका है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं। एक दरोगा भी एक मंत्री का नहीं सुनता है। देखिए, विकास का कोशिश हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करते रहे। भ्रष्टाचार तो सरकार के स्तर पर नहीं, नीचे स्तर पर होता है, जमीन पर होता है। आप देखेंगे नल जल योजना पूरी तरीके से बंद है और वो कहीं ना कहीं नीचे स्तर पे ये सारी चीज़ हो रहा है। सरकार के स्तर पे काम कराया जा रहा था। जो विकास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 2005 से लेकर 2012 के बीच में किए, वो विकास कहीं ना कहीं नहीं हो रहा था। उनको विकास से और बिहार के जनता से उतना लगाव नहीं था जितना उनकी अपनी कुर्सी से लगाव रहा। 2013 से लगातार लड़ाई लड़ते रहा और कुर्सी के लिए वो लड़ाई लड़ते रहा, ना ही कि बिहार के लिए लड़ाई लड़ा था। और 2005 में बिहार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए सत्ता में आए और 2005 से लेकर 2012 तक 7 सालों में उन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया और ये सबको पता है। लेकिन 12 के बाद आज 22 आ गया, 22 साल में बिहार में बहुत कुछ नहीं हुआ। सर, एक बात जिस प्रकार आप बोल रहे हैं कि उन्होंने बहुत कुछ किया, मैं शिक्षा पर एक सवाल करूंगा। सर, सरकारी विद्यालय क्यों बनाया जाता है जब 5 करोड़ रुपया खर्चा किया जाता है और वो विद्यालय बंद करके रखा जाता है, क्यों? में खड़ा कर रहा हूँ और ये भी सत्य है कि उन्होंने 6-7 साल जो बिहार में जैसे सरकार महागठबंधन उस समय के लालू जी के बाद जब सरकार बनाए उस समय 7 साल उन्होंने थोड़ा अच्छा काम किया और ज़्यादा करना चाहिए था, लेकिन पिछले 10 साल से अच्छा काम नहीं कर रहा है और उसी का कारण है कि शिक्षा चौपट हो चुका है, यहाँ पे स्वास्थ्य चौपट हो चुका है, पूरे सरकार को प्रशासन के ऊपर वो चला रहे हैं। लोकतंत्र पूरा खतरे में जा चुका है, कोई किसी का सुनने वाला नहीं। एक दरोगा भी एक मंत्री का नहीं सुनता है। आपने सुना होगा कि हमारे मंत्री ने कहा कि एको चपरासी नहीं सुनता है। तो ये सर बिहार में इस तरीके से व्यवस्था कायम कर ली माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे थे। जैसे हम सरकार में शामिल हुए, हम लोगों को लगा कि नहीं सरकार में रहकर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो 25 में रिटायरमेंट ले लेंगे और हमको भी 35 साल बिहार में राजनीति करना है और ये युवा के साथ रहना है। जब युवा से हम लोगों ने 19 लाख रोजगार की वादा किया है तो 19 लाख युवा को रोजगार दिया जाए, इसके लिए बिहार में डेयरी प्रोजेक्ट लाया जाए जिसपे कम से कम 2-3 लाख युवा को हम रोजगार दे सकते थे। तो जैसे हम लोग कोई काम करने के लिए सोच रहे थे उसी में उन्होंने हर तरह से परेशान करने लगा और जैसे देखा कि ये काम करेगा तो पॉपुलर हो जाएगा तो बिहार में इनका एक जनाधार हो जाएगा और इनको इसलिए साइड करो, इसलिए हमारे पार्टी को तोड़ देना, हमारे सरकार से बाहर निकाल देना। तो क्योंकि उनको अच्छे लोग नहीं चाहिए था, अच्छा काम करने वाला नहीं चाहिए था।